नमस्कार सर, मेरा नाम नमस्ते राज। जी। नमस्ते। कछड़ो बारे मास। हाँ बताइए। मेरा नाम राठौर कल्पना है। मैं वहां की प्राथमिक शाला एसएमसी समिति की सभ्य हूँ। मैंने 12वीं तक का अभ्यास किया है। ये जो नई व्यवस्था हुई है तो उससे क्या अनुभव आता है आप लोगों का, इससे एक शिक्षक के नाते आपको इससे क्या लाभ हुआ और आपको कोरोना इस व्यवस्था के के कारण। दरमियान हमारे बच्चों को अच्छा ऑनलाइन शिक्षा दिया गया है और जो यूनिट टेस्ट लेते हैं उसका उसका रिपोर्ट भी हमको देते हैं। इससे हमको मालूम पड़ता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है। और जो ऑनलाइन अटेंशन से हमारे बच्चों और शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है। अच्छा मान लीजिए कि हम डेली इसका प्राइस निकालें कि आज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्कूल का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्टूडेंट का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की टीचर का था, और डेली कंपटीशन चले हर तहसील में, तो क्या होगा? टीचर्स पर प्रेशर बढ़ेगा या मजा आएगा? प्रेशर पड़ेगा। हैं? हाँ एसएमसी सभ्य सर। अच्छा आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? अब सर कक्षा 8 की छात्रा पूजा बा को विनती है कि आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम जाडेजा पूजा बा है। मैं वहां की प्राथमिक पाठशाला कक्षा 8 में अभ्यास करती हूँ। पूजा भाई ये क्या चल रहा है मालूम है कुछ क्या? ये आप हमारी पाठशाला का नंबर आया है, इसलिए आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। किस चीज में नंबर आया आपकी पाठशाला का? स्वच्छता में। हाँ क्या पूजा भाई, ये जो इस प्रकार से मार्किंग होता है, नंबर लग जाता है, आप लोगों को मालूम है क्या कि टीचर क्या भरते हैं? सचमुच में पता होता है कि, क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम मुझे मालूम है। जब मैं गुजरात में था तो मेरे सामने एक विषय आया था कि नहीं कच्छ में जो टीचर हैं वो ज्यादातर मेहसाणा जिले के हैं। अभी तो स्थिति बदली होगी क्योंकि मैंने वहां उस समय पीटीसी वगैरह सब शुरू करवाया था, और कच्ची भाषा और मेहसाणा की भाषा में बड़ा अंतर था। और इसलिए अगर मेहसाणा का टीचर कच्छ में पढ़ाता है तो कच्छी बच्चे को समझ नहीं आता है क्योंकि थोड़ा अंतर है भाषा में। तो अभी भी पूजा भाई वो समस्या है कि ठीक ठाक हुआ है कुछ? ठीक ठाक हो गया है। नहीं कच्छी में पढ़ाते हैं सब? नहीं, नहीं समझाते हैं तो कच्छी में तो समझाना ही पड़ता होगा यस है, क्योंकि घर में कच्ची बोलते हैं आप लोग। यस समझाते हैं। नहीं फिर गुजराती का मार्ग यहाँ ले लेते हैं तो वो कैसे होता है? पढ़ाई के द्वारा गुजराती में समझाते हैं और कच्छी में भी समझाते हैं। अच्छा आप लोगों का मैथमेटिक्स का रेगुलर एग्जाम होता है क्या? गणित का यस सर, क्या होता है बताइए मुझे। रोज हमारा सर पहले पढ़ाते हैं, फिर हमारा एग्जाम लेते हैं। इसके कारण हमें पता चलता है कि हमारा क्या वीक पॉइंट है, उसके कारण हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर उसके सुधार के लिए टीचर क्या करते हैं? अगर आप तो पूजा बा आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 32 30। उसमें से सबसे वीक कौन है? सब टैलेंटेड है। अच्छा तो आज सब लोगों ने तुम्हें पार्टी देना तय किया है, लेकिन जो दुर्बल होगा वीक होगा उसको कुछ तो टीचर ध्यान देते होंगे ना? कुछ देते हैं ध्यान? क्या स्पेशली किसी पर ध्यान देते हैं क्या? यस सर, क्या करते हैं? डांटते उनको हैं, नहीं आता तो एक्स्ट्रा टाइम में उनको ज्यादा सिखाते हैं। मैदान में दौड़ाते हैं 4 चक्कर लगा के आओ तुमको ये आता नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं करते ना? नहीं नहीं